देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। स्वागत है आपका लाइव 24 में। राजधानी लखनऊ के विद्युत मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित अपने कार्यालय पर भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा उनकी मानसिकता समाज सुधारक के रूप में थी, हालांकि उनकी राजनीतिक पारी लंबी रही थी और अगर वो राजनीति में नहीं भी होते तो भी सारी दुनिया में वो सफल समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध होते। चंद्र प्रकाश ने अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना स्वामी विवेकानंद से भी की और साथ में कहा कि पूरे भारत के साथ विश्व भी उनके निधन पर शोक जता रहा है। शोक में तो इसलिए डूबा है क्योंकि अटल जी का जो व्यक्तित्व है वो केवल एक राजनेता की हैसियत वाला व्यक्तित्व है नहीं, और वो आरएसएस में जाके इसमें घुल मिल गए पार्टी में, वो तो बेहतर है। नहीं तो ये बहुत बड़े समाज सुधारक भावुक थे, इसलिए बहुत बड़ा काबिल व्यक्ति, और विवेकानंद तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन विवेकानंद से प्रतिभा इनकी कम नहीं थी। इसलिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स हो, किसी पार्टी का नेता हो, सबको एक भाव से देखते थे और जो कटाक्ष करना था वहाँ भी चूकते भी नहीं थे। लेकिन कटाक्ष उनका ऐसे शब्दों में होता था कि वो कटाक्ष बुरा नहीं लगता था, जैसे वो अपनी पार्टी की तरफ से बोलते थे तो कहते थे कि भाई वो मुसलमान जो बहादुर शाह जफर की तरह दो गज जमी हिंदू मरने के बाद भी हिंदुस्तान में चाहता है उनको हम सबको गले लगाते हैं। और विदेश मंत्री बनने के बाद क्या सहूलियत दी, धर्मनिरपेक्ष अगर असली सेकुलर कोई था तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ही असली सेकुलर थे। और आज शोक केवल उनके व्यक्तित्व को जैसे है, नहीं तो 9 महीने पहले ही उनकी एक्टिविटीज खत्म, उनका जीना या मरना 9 महीने पहले ही से, कहां शकल तक उनकी नहीं दिखाते थे। लेकिन अब श्रद्धा देख लीजिए जनता की, हम भी हमेशा विद्यार्थी छात्र राजनीति लगा के विद्यार्थी परिषद से और भारतीय जनता पार्टी तक हमारा टकराव रहा है, लेकिन जहाँ पर अटल जी की बात आई है वहाँ हमने सबको छोड़ के इनको सम्मान दिया है। अब कांग्रेस में इंदिरा जी की एक्टिविटीज़ का है, इंदिरा जी की जिद थी लेकिन अटल जी की जिद नहीं हुआ करती थी, ले अंदर से जिद ऐसी छुपी रहती थी कि लोगों को बाद में एहसास होता था। इसलिए हमारे यहाँ कल शोक सभा भी हो चुकी है अटल जी की के निधन पर, और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को भी दुख सहन करने की ताकत मिले और हिंदुस्तान को नौजवानों को टीवी चैनल पे जो नहीं मालूम है वो मालूम हो जाए, उनके पदचिन्हों पे चलने की शिक्षा मिले तो हिंदुस्तान बहुत आगे निकल जाए। ये थी लखनऊ से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24। We'll be right back.